वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मूवी मेरे जस्ट पहले एक्सप्लेन करी हुई मूवी से पूरी रिलेट करती है। इससे पहले गाइस मैंने फाइंडिंग नेमो मूवी एक्सप्लेन की थी। अगर वो मूवी आप सभी ने नहीं देखी है तो उस मूवी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट मूवी में एक छोटी सी फिश जिसका नाम नीमो था वो अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी, जिसके बाद नीमो के फादर मरले और एक बहुत ही खास कैरेक्टर जिसका नाम डॉरी था, उन दोनों ने मिलकर नीमो को ढूंढ लिया था। तो आखिर ये कौन है, कहां से आई है और उसे भूलने की बीमारी कैसे हो गई? गाइस, ये सब कुछ हमें आज एक मूवी एक्सप्लेन करती है जिसका नाम है फाइंडिंग डॉरी। लेकिन मूवी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास में एक्वेरियम है और उसमें कौन कौन सी फिशेज है? मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत प्यारी छोटी सी फिश देखते हैं जिसका नाम डॉरी था। डॉरी के पेरेंट्स जिनका नाम जेनी और चार्ली था, उन्हें बहुत डर था कि उनकी बेटी डॉरी किसी दिन सारी चीजें भूल ना जाए और कहीं इधर उधर भटक ना जाए। डॉरी को जेनी और चार्ली काफी सारी चीजें सिखाते हैं और प्यारी सी छोटी सी डॉरी इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन एक दिन डॉरी अपनी फैमिली से काफी दूर चली जाती है और उसे ये ही नहीं पता कि उसे ढूंढना किसे है। इतने बड़े ओशन के अंदर हर एक फिश से पूछना कि मेरी फैमिली कहाँ है, ये पूछते पूछते डॉरी अब बड़ी हो चुकी थी और इसी के साथ में वो अब अपनी फैमिली को भी नहीं ढूंढ रही थी। डॉरी को हमेशा भूलने की बीमारी थी, यानी कि वो कचनी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था। एक दिन मरलिन आके डॉरी से भिड़ जाता है और तभी से नीमो वाली स्टोरी शुरू होती है, जिसके बाद कहानी कुछ सालों आगे बढ़ जाती है और अब नीमो, मरलिन और डॉरी तीनों साथ रहते हैं। मरलिन नीमो को स्कूल छोड़ने जाता है लेकिन डॉरी भी अब उनके साथ ही रहती है और वो चाहती थी कि सारे बच्चों के साथ टीचिंग के टाइम मैं भी जाऊं। मरलिन डॉरी को समझाता है कि मिस्टर रे ने कहा है कि तुम वहां उनके साथ ना जाओ क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी हो, तुम हमेशा भूल जाती हो। लेकिन फिर भी डॉरी नहीं मानती और सारे बच्चों के साथ ही निकल जाती है। आज इन सभी का लेसन था कि वो कैसे अपनी फैमिली को वापस ढूंढ सकते हैं। डॉरी कुछ दूर आगे जाती है जहाँ उसे उल्टी गंगा दिखाई देती है। देखते ही देखते अब तो डॉरी को सारी चीजें याद आ जाती है कि वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हो चुकी है। उसके मम्मी और डैडी हैं जो कि उसे अब तक ढूंढ रहे होंगे। भागती हुई डॉरी मरलिन और नीमो के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि मेरी फैमिली कैलिफोर्निया में रहती है। मरलिन डॉरी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अब काफी देर हो चुकी है, लेकिन डॉरी कहती है कि तुमने भी तो अपने बेटे को ढूंढने के लिए इतना बड़ा ओशियन पार कर दिया है, तो फिर आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हो? नीमो भी अपने फादर मरलिन को कहता है कि डॉरी को हमें उसकी फैमिली तक ले जाना चाहिए, लेकिन अब कैलिफोर्निया तक जाएगा कौन, आखिर रास्ता किसे पता है? तभी हम फर्स्ट पार्ट यानी फाइंडिंग नीमो वाले क्रश को देखते हैं जो कि डॉरी, मरलिन और नीमो को ले जाते हैं कैलिफोर्निया के ओशन में। वहीं डॉरी जाते ही स्टार्ट हो जाती है अपने मम्मी और डैडी का नाम जोर जोर से चिल्लाने के लिए। मरलिन समझाता है कि ये एक अलग ओशन है, यहाँ पे कोई भी खतरा हो सकता है, लेकिन डॉरी तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। डॉरी को लगता है कि ये जगह जानी पहचानी है कि तभी उनका सामना एक बहुत बड़े ऑक्टोपस से हो जाता है, जिससे बचते हुए डॉरी, मरलिन, नीमो काफी दूर तक तैरते जाते हैं। इसके कारण नीमो इंजर्ड हो जाता है। मरलिन गुस्से में आने के कारण डॉरी को बहुत डांटता है कि तुम्हारे कारण मेरा बेटा मरता मरता बचा, इससे अच्छा होगा कि तुम हमसे दूर हो जाओ, अकेले ही कहीं चली जाओ। डॉरी कहती है कि मैं मदद लेके आती हूँ, मैं जल्दी सारी चीजें ठीक कर दूंगी। लेकिन असल के अंदर तो डॉरी कैलिफोर्निया पहुंच चुकी थी। उसे कोई आवाज आती है जिसके अंदर उसे पता चलता है कि शायद उसके पास मदद आने वाली है, लेकिन ये तो रेस्क्यू मेंबर थे मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के, जो कि डॉरी को अपने साथ ही ले जाते हैं और इसी के साथ हॉस्पिटल ले आते हैं। फिशेस को लाया जाता है, उन्हें ठीक किया जाता है, फिर वापस से ओपन ओशन में छोड़ दिया जाता है। तभी यहाँ पे डॉरी की मुलाकात एक वापस से सेवन हैंड वाले ऑक्टोपस से होती है। गाइस, क्या आप सभी को पता है कि ऑक्टोपस के कितने हार्ट होते हैं? चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस ऑक्टोपस का नाम हैंक था, जो कि डॉरी को देख के एक डील करने की कोशिश करता है क्योंकि डॉरी के पास एक छोटा सा टैग था ताकि वो एक्वेरियम में जा सके। इस टाइम फिर से डॉरी भूल चुकी थी कि वो आखिर यहाँ पे क्यों आई है, लेकिन याद आने के बाद वो हैंक से डील कर लेती है। हैंक डॉरी को कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को तुमसे मिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे ये टैग चाहिए। यहाँ पे मरलिन और नीमो को लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, डॉरी को काफी ज्यादा डांट दिया। तभी यहाँ पे मरलिन और नीमो को दो सील दिखाई देती है। मरलिन के पूछने पे ये सील बताती है कि तुम कैलिफोर्निया के अंदर हो, मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के अंदर, और यहाँ अगर कोई भी फिश आती है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाता है। इसका मतलब कि जो तुम्हारी दोस्त डॉरी है उसे भी हॉस्पिटल भेजा गया होगा। दूसरी तरफ हैंक डॉरी को अपने साथ ले आता है और इसी हॉस्पिटल से एक मैप पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे डॉरी को मैप देखने के बाद शेल्स दिखाई देते हैं। शेल्स के कारण डॉरी को फिर से चीजें याद आती है कि डॉरी के पेरेंट्स ने कहा था कि कभी भी तुम गुम हो जाओ तो हमेशा शेल्स का पीछा करते जाना। तभी एकदम से एक स्वीपर आ जाते हैं जिसके कारण डॉरी और हैंक को छुपना पड़ता है।
गलती से डोरी एक ऐसी बास्केट के अंदर जाती है जिसके अंदर वो बड़े बड़े व्हेल्स का खाना बनने वाली थी। डोरी को बाहर जाके फेंक दिया जाता है, जहाँ पे डोरी की मुलाकात उसकी बहुत पुरानी दोस्त से होती है। इस बड़ी सी ब्लू व्हेल का नाम डेस्टिनी था। डेस्टिनी डोरी को देखते ही पहचान जाती है कि वो उसकी पाइप फ्रेंड है। यहाँ पे हम डेस्टिनी के नेबर को देखते हैं जिसका नाम बेली था। उसके पास ऐसी पावर्स थी कि वो रे साउंड के जरिए काफी दूर तक देख सके। तभी यहाँ पे हैंग भी कैसे तैसे पहुँच जाता है और अब वो डोरी को कहता है कि अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स तक जाना है तो तुम्हें इस छोटे से रस्ते से होके जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं नहीं जा पाऊंगा तो तुम्हें अकेले जाना होगा, तो चलो मुझे मेरा टैग दो और तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन डोरी अपना टैग नहीं देती है। पहले तो वो हैंक को कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन हैंक के मना करने पे अब डोरी को अकेले जाना पड़ता है। इसी के साथ उसे अपने पेरेंट्स का लेसन याद आता है कि कभी भी अगर डर जाओ तो बस तैरते जाना। यहाँ दूसरी तरफ ये सील मर्लिन और नीमू की हेल्प करते हैं एक बकी डक को बुला के। ये बकी डक अपने साथ मर्लिन और नीमू को ले जाती है। यहाँ हैंक को लगता है कि अगर डोरी अकेली गई तो वो जरूर कुछ न कुछ चीजें भूल जाएगी, इसी कारण हैंक को डोरी की मदद करनी चाहिए। ये दोनों बेबी ट्रॉली के अंदर बैठ जाते हैं और उसी की मदद से आगे बढ़ते जाते हैं। डोरी रास्ता बताने वाली थी लेकिन डोरी की याददाश्त फिर से चली जाती है और वो गलत रास्ता बता देती है। यहाँ बकी को पॉपकॉर्न दिखाई देते हैं, इसी कारण वो मर्लिन और नीमू को एक पेड़ पे ही छोड़ देती है, जिसके कारण बेचारे मर्लिन और नीमू अपनी जान बचाते हुए एक एक्वेरियम के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ डोरी के गलत रास्ता बताने पे हैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ से आगे तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, मुझे बस मेरा टैग वापस दे दो। लेकिन तभी ये बेबी ट्रॉली काफी दूर तक आगे निकल जाती है, जिसके कारण डोरी और हैंक एक बेबी पूल के अंदर गिरते हैं। ये एक ऐसा पूल था जिसमें सारी फिशेस को टच किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे फिश को टच करने के लिए बार बार अपने हाथ डालते हैं। सारे फिशेस डोरी को कहते हैं कि अपनी जान बचाओ, लेकिन तभी डोरी हैंक को देखती है कि वो भी छुपा हुआ है। इसी कारण डोरी हैंक को अपने साथ काफी दूर तक खींचती जाती है। हैंक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पूरे पानी को ब्लैक कर देता है। इसी कारण सभी फिशेस की जान बच जाती है और यहाँ से डोरी और हैंक आगे की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें आगे दिखाई देता है ओपन ओशियन, जहाँ पे डोरी के मम्मी और डैडी मिलते हैं उसे। यहाँ पे मर्लिन और नीमू अकेले बैठ के सोचते हैं कि काश अगर हमारे साथ डोरी होती तो हम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। तो नीमू कहता है कि शायद हमें वो चीजें करनी चाहिए जो डोरी हमेशा करती है, इसका मतलब बिना सोचे कुछ भी चीजें करना। मर्लिन को लगता है कि यही आइडिया सही रहेगा, इसी कारण मर्लिन और नीमू खुद की जान बचाने के लिए जमीन पे ही कूद जाते हैं। लेकिन फिर भी वो वापस से ओशन में ही गिरते हैं, जहाँ उन्हें एक सीप मिलती है। वो सीप उन्हें आगे जाने का रास्ता तो नहीं बताती लेकिन बहुत ज्यादा पकाती है। इधर टाइम था अब हैंक और डोरी के अलविदा लेने का, जहाँ पे हैंक अब अपने रास्ते जाएगा और डोरी ओपन ओशन के अंदर जाएगी। हैंक जाने से पहले डोरी को कहता है कि तुम तो मुझे भूल जाओगे क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे तीनों दिलों में याद रखूंगा। जी हाँ गाइस, ऑक्टोपस के पास में तीन दिल होते हैं। जिसके बाद डोरी अपने मम्मी डैडी को ढूंढने के लिए ओपन ओशन में जाती है। डोरी को धीरे धीरे अपना घर भी याद आने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, दूर दूर तक एक भी फिश नहीं थी। वहाँ के दो क्रैब डोरी को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारे जैसे काफी सारे फिशेस को तो हॉस्पिटल लेके चले गए हैं, वो सारे अब दूसरे एक्वेरियम में रहेंगे। जिसके बाद तो डोरी को समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करे। डोरी कैसे तैसे एक पाइप के थ्रू निकलती जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद डेस्टिनी को उसकी आवाज आ जाती है। डेस्टिनी अपने फ्रेंड बेली को कहती है कि प्लीज डोरी को ढूंढ के निकाल दो। बेली अपने रे साउंड की मदद से डोरी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि दूर से एक और फिश आ रही है। असल के अंदर ये कोई फिश नहीं बल्कि मर्लिन और नीमो थे, जहाँ पे डोरी नीमो और मर्लिन से मिलके बहुत खुश थे। मर्लिन डोरी से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे आइडियाज के कारण मैंने अपने बेटे को ढूंढा था और अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी भी फैमिली तुमसे मिल सके, तुम जल्द ही अपनी फैमिली के पास जाओगे। लेकिन ये सारी चीजें नीमो को सुन के बहुत बुरा लगता है कि डोरी हमें छोड़ के चली जाएगी। अब यहाँ डोरी मर्लिन नीमो कैसे तैसे करके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहाँ अलग अलग टैंक के अंदर जंप करते हुए डोरी ब्लू फिशेस के टैंक में पहुंच जाती है और वहाँ पे अपनी मम्मी डैडी को जोर जोर से बुलाने लगती है कि मम्मा डैडी। लेकिन तभी वहाँ सभी कहते हैं कि क्या तुम जेनी और चार्ली की बेटी हो, क्या तुम डोरी हो? तो डोरी कहती है कि हाँ मैं अपनी मम्मी डैडी को ढूंढ रही हूँ। तो सारी फिशेस कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढते हुए बहुत टाइम पहले ही चले गए थे, उन्हें लगा था कि तुम कहीं बाहर मिलोगे और उस बात को तो काफी समय हो चुका है। इससे डोरी को लगता है कि उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, जिसके कारण वो सदमे में आ जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इसी टाइम पे सारे टैंक्स बाहर जा रहे थे, डोरी सारे टैंक से अलग हो जाती है और नीचे गिरने के कारण वो एक पाइप के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब फिर से वो पूरी चीजें भूल चुकी थी कि वो किसके साथ में आई थी, किसे ढूंढ रही थी और उसे कहाँ जाना है। डोरी यहाँ फिशेस को पूछने लगती है कि क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं किसी को ढूंढ रही थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किसे ढूंढ रही थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद डोरी को वही शेल्स दिखाई देते हैं। शेल्स को देखते ही डोरी को फिर से याद आ जाता है कि वो तो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है। जेनी
रानी और मर्ली ने कहा था कि जब भी तुम गुम हो जाओ तो शेल्स को फॉलो करते जाना, तभी वहाँ पे पीछे से जेनी और चार्ली आ जाते हैं, जो कि डॉरी को देखते बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि डॉरी ने कर दिखाया, भूलने की बीमारी होने के कारण भी उसने अपने पेरेंट्स को आखिर ढूंढ ही लिया। लेकिन तभी यहाँ डॉरी से पूछा जाता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, तो डॉरी को मर्लिन, नीमो और हैंक की याद आती है कि आखिर वो सब तो अभी भी टैंक के अंदर ही फंसे हुए हैं, तो हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे डॉरी अपने पेरेंट्स के साथ में मर्लिन, नीमो और हैंक को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसी कारण डॉरी अपनी ब्लू व्हेल वाली फ्रेंड यानी कि डेस्टिनी की मदद लेती है और कहती है कि अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, अपने साथ बैली को लो और सीधा यहाँ से जंप करो। डेस्टिनी को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था, इसी कारण वो बिना देखे ही ओपन ओशन के अंदर जंप कर जाती है। पीछे पीछे बैली को भी आना पड़ता है। बैली के साथ अब डॉरी की पूरी फैमिली थी, यहाँ डेस्टिनी, बैली, डॉरी और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी थे। बैली देख के बताता है कि सारे एक्वेरियम को ट्रक के अंदर लेके जाया जा रहा है, लेकिन ट्रक को आखिर कैसे रोका जाए। तभी डॉरी को आइडिया आता है कि यहाँ कुछ लव पैड्स हैं, लोग हमेशा लव पैड्स को देखने के लिए रुक ही जाते हैं, इसी कारण डॉरी इन सभी की मदद लेती है। देखते ही देखते सारी कार्स रुक जाती है लव पैड्स को देखने के लिए। यहाँ अपनी फ्रेंड की मदद से डॉरी सीधा जंप करते हुए ट्रक के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे मर्लिन, नीमो और हैंक मिलते हैं। डॉरी कहती है कि मैं तुम सब लोगों को लेने आई हूँ, लेकिन हैंक वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। मर्लिन यहाँ पे बकी को बुलाता है, बकी यहाँ पे बकेट लेके पहुंच भी जाता है, लेकिन तभी हैंक कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरी जगह है। डॉरी हैंक को समझाती है कि आखिर तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, सारी चीजों को भूल के तुम्हें खुले ओशन में चलना चाहिए, वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र है और बहुत सारी फिशेज है। अब जब ये लोग बाहर नहीं निकले थे कि तभी ट्रैफिक ओपन हो चुका था और इसी के साथ ट्रक के दरवाजे भी बंद हो गए थे, तो हैंक कहता है कि यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो डॉरी कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, जरा ऊपर देखो, क्योंकि ट्रक के ऊपर थोड़ा बहुत स्पेस बाकी था, जहाँ से हैंक और डॉरी निकल के बाहर आ जाते हैं। और अब तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है, यानी कि ऑक्टोपस और फिशेस मिलके पूरा का पूरा ट्रक ही चोरी कर लेते हैं। हैंक यहाँ पे डॉरी के डायरेक्शन से इस पूरे ट्रक को चलाने लगता है। देखते ही देखते ये लोग उल्टी लाइन में जाने लगते हैं और बहुत सारी कारों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। किसी को बिलीव नहीं होता कि आखिर कोई भी नहीं बैठा है तो फिर ये ट्रक चल कैसे रहा है। यहाँ पे बैली को पता चलने लगता है कि ट्रक धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है, और अब तो आखिर वो टाइम आ चुका था जब डॉरी अपनी सबसे बड़ी पागलपंती करे। वो हैंक को कह के पूरे के पूरे ट्रक को ही पानी के अंदर कूदने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पूरा ट्रक पानी में गिरता जाता है और सारी फिशेस फ्री हो चुकी थी जो कि ऊपर ओशन के अंदर गिरने वाले थे। फाइनली अब डॉरी को अपने पेरेंट्स मिल चुके थे, मर्लिन के पास नीमो आ चुका था और हैंक भी ओपन ओशन में आ चुका था। सभी साथ साथ रहने लगे जहाँ पे डॉरी, मर्लिन मिलके नीमो को स्कूल छोड़ने जाते थे। इसी के साथ हैंक अब टीचर बन चुका था और मर्लिन डॉरी को कहता है कि तुम्हारे भूलने की बीमारी तो कुछ भी नहीं है, तुमने सब कुछ कर दिखाया, तुमने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया, तुमने इतने बड़े ओशन को पार किया और इसी के साथ भी मेरे बेटे नीमो को भी ढूंढा था, तुम सब कुछ कर सकती हो। जिसके बाद डॉरी को बहुत खुशी होती है। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।